बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड को लेकर खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं, जहां एक और इस फिल्म का दर्शक बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, तो वही अब ये इसके रिलीज के पहले ही विवाद में घिर गई है। इस फिल्म का सोशल मीडिया पर जमकर चल रहा है विरोध। इसके अलावा थैंक गॉड को लेकर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के खिलाफ कायस्थ समुदाय ने अपने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने का आरोप लगाते हुए मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत भी दर्ज करवा दी है, जिस पर आने वाले कुछ दिनों में सुनवाई होनी है। वही अब इसी बीच अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। खबरों के अनुसार अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुलप्रीत सिंह स्टारर फिल्म थैंक गॉड को कुवैत सेंसर बोर्ड से पास नहीं किया है और इसी वजह से ये फिल्म अब कुवैत में रिलीज नहीं होने वाली है। यही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी इस फिल्म को लेकर भारी विरोध किया जा रहा है। कर्नाटक में हिंदू जन जागृति समिति ने अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड को बैन करने की मांग कर दी है। इस फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है। वेल बता दें कि फिल्म थैंक गॉड में अजय देवगन चित्रगुप्त बने हैं, जो पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं, तो वही इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आम इंसान के किरदार में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 24 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? आप फिल्म थैंक गॉड का कितना इंतजार कर रहे हैं? इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।